बिल्कुल गलत है, आपका बिल्कुल गलत है। मुझे फिटनेस बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद। क्यों? तो मुझे नहीं लगता जागत के साथ काम करने वाला, तो ये वही है पूरी। हाय आस्था, मेरा नाम है नुपुर और मैं हूँ आस्था, और आज हम लेके आए हैं बेस्ट फ्रेंड चैलेंज वीडियो। तो आज जो है मैं और नुपुर एक दूसरे को जज करेंगे दोस्तों, कि मैं नुपुर को कितना जानती हूँ और तुम मुझे कितना जानती हो। ठीक है, आज पता चल जाएगा नहीं? कि दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। वैसे बेस्ट फ्रेंड करती हैं हम दोनों। ठीक है, और आज पर्दा उठ जाएगा ये दोस्ती कितनी गहरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तो आज हमें पता चलेगा कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो बस इसी के साथ अभी हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें स्कोरिंग भी रखी है, और जो भी इसमें मतलब जो भी सही बताएगा उसको पॉइंट मिलेगा 1, और जो बताएगा गलत तो उसका हो जाएगा 0। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर। मेरा फेवरेट कलर क्या है वो तुम्हें गेस करना, और तुम्हारा कौन सा है वो मुझे गेस करना है। ओके ओके, इसको तो वैसे सभी पसंद है यार। क्या है तुमने लिख लिया? यस। तो नुपुर का फेवरेट कलर है दोस्तों नेवी, और आस्था का फेवरेट कलर है ये। क्या है आपका फेवरेट कलर? वैसे तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू भी है ना? वैसे मुझे सब कलर पसंद है, पर ब्लैक मेरा ऑलवेज फेवरेट है। देखो गाइस, सब कलर पसंद है इसको, पर ब्लैक कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। व्हाट्स द लास्ट मैसेज दैट यू सेंड योर बेस्ट फ्रेंड? तो मुझे तुमने लास्ट मैसेज कौन सा किया था? वैसे आज सुबह ही हमारी बात हुई थी। सुबह नहीं, दोपहर में हुई थी। हाँ, दोपहर में हुई थी। तो क्या लिखा था मैंने? तो याद नहीं, हम इतने इतने गप्पे मारते हैं हमारे एक मिनट में बहुत सारे मैसेज करते हैं। शायद हम स्माइलीज बहुत ज्यादा देखते हैं एक दूसरे को, है ना? ये मैंने लग रहा है मैंने कोई स्माइल मेरे हर मैसेज के बाद Quad. तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने ये भेजा होगा, और मैंने भेजा है किसी। तो ये आपको साइड में पता चल जाएगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को क्या भेजा है। तो मैंने इसको किसीज भेजी थी, मैं भी ये ऐसे भेजती है। शी इज वेरी रोमांटिक, बहुत ज्यादा रोमांटिक है दोस्तों ये। तो की तरफ बढ़ते हैं। What is your best friend favorite season and why? Everybody put your hands in the air. Nope. तुमने क्या लिखा है? What happened? अच्छा, बिल्कुल सही है दोस्तों। मुझे समर बहुत पसंद है, और नुपुर को विंटर्स। आस्था को बिल्कुल गलत है, आस्था बिल्कुल गलत है। मुझे विंटर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद। क्यों? तो मुझे नहीं पसंद विंटर्स। छोटा ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, और अभी भी देखिए नुपुर की ऑयली स्किन है, तो नुपुर बोलती है हमेशा से। पर मेरी ड्राई स्किन है, आस्था को ये भी पता है कि मुझे सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती है। यार ये तो बहुत गलत बात होगी। आस्था हार गई। एक हमारी स्कोरिंग देख सकते हैं आप, कि मैं मुझे थर्ड में 0 मिला है, और इसको 1 और मैं जीत गई। और बिल्कुल बेकार है। और हमेशा तुम बोलती हो कि विंटर ये मेरी बात सुनती नहीं है। ये देख आप देख सकते हो, ये अपनी ही चलाती है और अपनी ही बोलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड मोस्ट अनोइंग हैबिट? मतलब तुम्हें मेरी सबसे अजीब आदत कौन सी लगती है, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, जो तुम्हें इरिटेट करती है? तो गाइस मैंने अपना आंसर लाइक कर दिया है, और नुपुर जो है मुझे सबसे ज्यादा लगता है ये। मुझे बहुत इरिटेशन होती है गाइस जब भी मैं इसको फोन करके बुलाती हूँ, और ये बड़ी ढीली है बिल्कुल। मैं बड़ी लेजी है, मैं लेट लगती हूँ। नजाकत के साथ काम करने वाला तो ये वही है, पूरी नजाकत के साथ ये काम करती है, कल तो हर बात देर कर देती है। आज सही है, बहुत जिद्दी है ये, बहुत ज्यादा। अब मुझे पता था इसने ये लिखना है, तो जिद्दी तो मैं होगी, क्योंकि मुझे बहुत मतलब पॉइंट पे हर चीज पसंद होती है। पॉइंट में ये चिढ़ जाती है, मिनट मिनट बाद चिढ़ती है ये, क्योंकि
फिर हम बाहर घूमने जाएंगे जब भी चिड़चिंग घर चल यार मेरे को गुस्सा आ रहा है। पर लिखा आपने एक दूसरे के बारे में बिल्कुल सही है। हाँ। तो हमें पर स्कोर मिलता है। नुपुर को मिल चुके हैं 4 पॉइंट और मुझे मिला है 1-0, तो 3 पॉइंट मिले हैं मुझे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर बेस्ट फ्रेंड वर्ड / फ्रेज, मतलब सबसे ज्यादा मैं क्या बोलती हूँ। हाँ, तो मैंने अपना आंसर लिख लिया दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वैसे ये, है ना। तो मेरा आंसर है, क्या लिखा तुमने? हाय राम नुपुर, हाय आस्था। और क्या, वैसे देयर आर सो मेनी, मतलब फ्रेज जो है मैं बहुत बोलती है ये। मतलब वो तू भी बोलती है, मेरे पास बहुत सारे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे हैं, पर अभी मैंने यही बताया। अभी मुझे हाय ये भी बोली, हाय नुपुर, हाय नुपुर, तो सुन, तो बात तो सुन। अरे मिस ने क्या लिखा, हाय आस्था। पर ये मेरा वर्ड ऐसे लेती है, हाय नुपुर। पूरा नुपुर ले जाती हूँ मैं। yes. तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट सही है ना। तो अभी वैसे आस्था एक पॉइंट से पीछे चलती है। बिल्कुल, तो ये हमारी स्कोरिंग चल रही है दोस्तों, ये देखिए। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट योर बेस्ट फ्रेंड गेट अप इन द मॉर्निंग। ए मेरी राइटिंग गंदी है। तो गाइस मुझे तो दिखाओ क्या लिखा। हाँ ठीक है, बट मैं थोड़ा अभी कोविड के कारण ना, थोड़ा मैं क्वारंटाइन के कारण, मेरे को लिखा है मैं थोड़ा लेट भी कर रही हूँ। गाइस क्या लिखा है इसने मेरा, हाय झूठ है ये, भगवान मुझे उठा दे। मैंने तुम्हें 1 बजे फोन किया था, तुम कह रही मैं अभी उठी हूँ। क्यों, तुमने कहा मैं 1 बजे उठती हूँ, तो कभी 11 बजे भी उठी होती दोस्तों, और कभी ये मैं कॉलेज टाइम में उठती थी इतना लेट पर 11 बजे उठती थी। अब तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तुम कभी 1 बजे उठी नहीं हो ना, कभी भी नहीं ना। अच्छा, वैसे कभी कभी हो जाता था पहले, कॉलेज टाइम में हो जाता था जब मैं स्टडी करती थी। अच्छा, तो राइट तो बताओ, राइट तो बताओ। मैं उठती हूँ अब, मैं 9 बजे उठती हूँ। अच्छा, मतलब मैं गलत हूँ और ये बिल्कुल झूठ है। मतलब ये सिर्फ मैं स्कोरिंग के लिए लिख रही हूँ इसमें 0, बट तुम ये गाइस 1 बजे ही उठती है। हाय राम, देखा दोस्तों, हाय राम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट आर 3 आइटम्स योर बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज कैरी। एक एक्स्ट्रा दुपट्टा जो है वो हमेशा नुपुर के पास होता है, बेशक ये सूट पहन के आए, पर ये एक्स्ट्रा दुपट्टा, एक एक्स्ट्रा दुपट्टा हमेशा इसके पास होता है कि कभी इसका जब ये कुछ खा रही है वो गिर जाए तो ये उसको पोंछ ले। झूठ बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। कभी नोजी पोंछनी हो तो उसके लिए, और कभी कुछ इसके ऊपर गिर जाए या फिर कुछ भी हो उसके लिए कैरी करती है। वैसे नहीं, जोक सपाट, मैं मजाक कर रही हूँ दोस्तों, ये इसलिए कैरी करती है, वो बड़ी सेंसिटिव स्किन है तो इस वजह से उसको रैशेज हो जाते हैं, तो इस वजह से हमेशा ये दुपट्टा लेके चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन योर बेस्ट फ्रेंड कुक। तो नुपुर तुम्हें क्या बनाना आता है? वैसे नुपुर ने मेरे लिए क्या बनाया आता है? मैंने तो आज तक तो मुझे बहुत चीजें खिलाती है बना के, तो मैं क्या क्या लिखूं, ये तो पेज कम पड़ जाएगा अगर जो मैंने यहाँ पे लिखना है। और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि इसने मुझे क्या खिलाया है। मुझे सब बनाना आता है यार, सरपुण संपन्न, क्योंकि मेरे से जा रही है ना बहुत सब एक्टिविटीज और इसके पास से जा रही है ऑलराउंड डेवलपमेंट। ये भूलती है यार, तेरे हाथ का मैंने आज तक क्या खाया है। देखिए कितनी बदतमीज है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा पेज भर चुका है और बस इतनी लिमिट थी इसकी पेज की। तो मुझे दोस्तों उसने ओरियो शेक पिलाया है और बहुत टेस्टी बनाया था, और वो रेसिपी भी नुपुर को मैंने सेंड की थी। बटिया की पिलाया दिल से लड़की ने, लड़की बहुत प्यार से
खिलाती है मुझे, बट ये कि मैं ही नहीं खाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैलेंट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? बहुत है, वैसे कॉमन टैलेंट है डांसिंग, है ना? डांसिंग हमारा रहेगा, पर वैसे इसके ये मतलब इसमें पता क्या टैलेंट है, हम दोनों में एक और कॉमन टैलेंट है कि हम दोनों बहाने बहुत अच्छे लगाते हैं। इसके घर में मैं लगा देता, मेरे घर में ये लगा देता। ये शादी से पहले करता था आपका, अब तो जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मेरे इन-लॉज इतने अच्छे हैं ना, उनको वैसे ही भेज देते हैं, उनको पता है वो। और मेरे जो फादर वो है, वो तो उनको के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है उनकी, और वो बहुत ज्यादा जॉली नेचर है। तो उनको ये बता के गलती की डैडी हम जा रहे हैं, अंकल हम जा रहे हैं, मैं कहती हूँ अंकल मैं लेके जा रही हूँ। अरे हाँ जी जाओ जाओ, तेरे अंदर टैलेंट क्या है यार, थप्पड़ मारूंगी तेरे। और रो भी तो मेरे टैलेंट जो मेरे टैलेंट मतलब ये लेजी है वो भी टैलेंट है। हाय हाय राम, ये देख रहे हो आप, ये देखिए गाइस, ये मैंने बना क्या दिया है। अरे वाह, आस्था का आस्था क्यों, तो नहीं ये ना मैंने बिल्कुल सही लिखा है। एक मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये नुपुर का कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है दोस्तों, उसमें लाइवलीनेस बहुत ज्यादा है, एंथुजियास्टिक है कि मतलब हर चीज के लिए ना मतलब जिंदा दिल है, मतलब रेडी रहती है और बहुत खुश भी जा रही है। मतलब मुझे सबसे अच्छी बात लगती है और मेरी दोस्ती का यही कारण है कि बहुत चिल रहती है और इसके दिल बहुत साफ है दोस्तों, बहुत ज्यादा साफ दिल की है ये, मन में कोई पाप नहीं रखती। और अगर इसके मन में कोई भी बात होगी ना तो ये डायरेक्ट बोल देती है, ना ही उसके पीठ पीछे कभी बुराई करती है, ये इसकी बहुत ही खास बात है दोस्तों। इतनी तारीफ मेरी। तो कुकिंग डांसिंग ये तो एक टैलेंट होता है, बट ये भी एक तरह का टैलेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड अफ्रेड ऑफ? Few moments later. मुझे डर नहीं लगता, मैं बहुत घीन आती है। फ्रेंडली बात बताती हूँ आपको नुपुर की, बताओ आप ही बताओ अपने मुंह से। नहीं 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 आप ही बताओ, कुछ नहीं है। आप मतलब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अभी ये थोड़े टाइम पहले मुझे बता रही थी, ये सो रही हुई थी दोस्तों, तो इसके गाल पे कॉकरोच बैठ गया और कहां से आके बैठा, और मैं नींद में थी, और ये नींद थी, मैं नींद में थी, और इसने क्या किया मैं मतलब सोच के इतनी इरिटेट हो रही हूँ। इसने क्या किया गाइस, जैसे मच्छर को हम मारते हैं, इसने कॉकरोच को ऐसे आयुर्वेदिक शक्ति के नाम से, क्योंकि आयुर्वेदिक शक्ति बाय नुपुर सूर। बिल्कुल, तो नुपुर जो है बहुत ही अच्छे अच्छे जो आयुर्वेदिक नुस्खे जो है वो करती हैं, क्योंकि बेसिकली इनकी फैमिली में मतलब जो इनके पापा हैं, दादाजी हैं, सभी जो है शुरू से ही नुस्खे करते आए हैं और बहुत लोगों को उससे आराम भी मिला है। तो उसी वजह से नुपुर ने अपना एक चैनल बनाया है, मेरा ही आइडिया था वैसे नुपुर को। आइडिया तो आस्था का था, हाँ, कि जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट चीज है ना तो उसके लिए तुम्हें बनाना चाहिए। तो प्लीज गाइस उसके चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, और जितना प्यार मुझे दिया है उससे भी ज्यादा प्यार आप नुपुर को दीजिएगा उसकी वीडियोस को। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स की वीडियो को मिलते रहे। इसी के साथ दोस्तों, जो न्यू है मेरे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।